ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਰ 1270 ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ 440 ਕਿਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कोरोना कहर के चोरों ने हरियाणा में वैक्सीन की चोरी की है। वैक्सीन दी 1710 खुराकों से कुछ अहम फाइलों से चोरों ने हाथ साफ किया है। उसे दस दिए चोर 1270 कोविशील्ड 440 कोवैक्सीन दी खुराकों नाल लै गए ने। जीन के सेहत निगरान ने चोरी की यह जानकारी जड़ी है वह साझी की है। सो स्टोर रूम के ताले तोड़ के चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिता है। तो वड्डी मात्रा के वैक्सीन दियां जो डोजेज ने उसकी चोरी हुई है। 1710 खुराकों से कुछ अहम फाइलों से चोरों वालों हाथ साफ किया गया। कोरोना लहर विचकार चोरों ने हरियाणा के वैक्सीन की इस चोरी को अंजाम दिता है। सो फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जीन के सेहत निगरान ने चोरी की यह जानकारी साझी की है, लेकिन हुण इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। सुबह हमारे स्वीपर ने जैसे ही आए वो ड्यूटी पे, तो उन्होंने मतलब तुरंत सूचना दी हमारे को कि भाई इस तरह से ये ताले टूटे हुए हैं। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आकर के देखा है तो सारी चीज़ें अलमारियाँ टूटी हुई हैं, ताले टूटे हैं और वैक्सीन उठाई हुई है। तो वैक्सीन के लिए जो हमारी वैक्सीन के इंचार्ज थी बहन जी को, उसको बुलाया तो पता लगा है कि 1270 के करीब कोविशील्ड की वैक्सीन और 440 कोवैक्सीन की चोरी हुई है। और अंदर अलमारी से कुछ से महत्वपूर्ण इंक्वायरी से संबंधित फाइलें चोरी हुई है। ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि हम शाम को 7 बजे के साथ 6 बजे के आसपास ही हम काम करके गए हैं। जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर रामबीर वर्मा जी ने मुझे सूचना दी है अभी किस इस तरह हमारी PPC की वैक्सीन चोरी हो गई है। और जब भी मुझे सूचना मिली तो तुरंत मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने देखा कि तीनों के तीनों ताले तोड़े हुए हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसका भी ताला तोड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़ा हुआ है और तीसरा भी ताला तोड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी देखने में पता लगा है कि जो वैक्सीन है टोटल, जो हमारी जो कोविड की वैक्सीन है, बाकी तो डिटेल देखने में पता लगेगा। उन्होंने जो बताया और मैंने देखा है वही चोरी हुई हुई है। अभी जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई पूरी करेंगे और सारी इसकी जितनी होगी सारी इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी करने की गल कही जा रही है। इस वेले की इंक्वायरी कितने पहुंची है खबर जानकारी लेने सारे सहयोगी अमर तो जीन के नाल साथ तो जुड़ चुके हैं। अमर, जिस तरह नाल चोरी हुई है जिथे कि इस वेले वैक्सीनेशन ते खासा जोर दिता जा रहा है, जे विचकार इस वैक्सीन की 1710 खुराकां चोरी हुई ने, हुण तक जांच विच कुछ सामने आया? देखिए फिलहाल अभी तक जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। रात में बताना चाहूंगा जो जिस तरह वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि 18 साल एक मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी युवक युवती उनको वैक्सीन लगाए जाएंगे, ऐसे में वैक्सीन का चोरी होना बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरकार के लिए सबसे पहले वैक्सीन का ही वितरण सब बड़ी समस्या थी, लेकिन उसमें भी चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल पैदा कर रही थी। बिल्कुल, और बहुत वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। अजे विचकार कौन है लोग सन और किस तरह के नाल चोरी करन विच कामयाब रहे? जरूर इत्थे विचकार जुड़े लोग ने या कोई सुरक्षा दे लिहाज नाल उन्हां दी मिली भुगत नाल होया होएगा? देखिए फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही। पुलिस का इतना कहना है कि जो वहां पे नकदी भी रखी हुई थी, लेकिन चोरों ने नकदी को निशाना नहीं बनाते हुए वैक्सीन को उठाया है और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो फाइल थे उनको उठाया है, जो सबसे ज्यादा गंभीर विषय ये है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर फिलहाल दी जानकारी ली। सो जिस सिर्फ वैक्सीन चोरी हुई है और कागज उस जुड़े हुए वो चोरी हुए ने, कैश जड़ा पे उसने हाथ नहीं लगाया। सो ये इस पूरे मामले की हुण जांच जी है वो की जा रही है।